नमस्ते दोस्तों, आज हम लाए हैं इप्सन इको टैंक L3260 A4 वाईफाई ऑल इन वन टैंक प्रिंटर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप नए हैं तो स्वागत है आप सभी का हमारे टेक टिप्स एंड सॉल्यूशंस चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण इमेज दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको प्रिंटर दिखाते हैं जिसमें इको टैंक 3260 प्रिंटर है जो वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस पे बॉक्स पर आपको की फ़ोटो की सारी जानकारी मैं दूंगा अभी, या बॉक्स की सारी जानकारी इस प्रिंटर के बारे में अभी आपको दे रहा हूँ, इसके बाद हम बॉक्स खोलते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि इप्सन अभी तक में सबसे बढ़िया प्रिंटर है, कम वेट पे, मतलब आप हल्का है, इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको ये स्टेबलाइज हो सकता है, कहीं पर के लिए भी किसी भी छोटी छोटी जगहों पे भी स्टेबलाइज किया सकता है ये। दोस्तों सबसे पहले हम खोलने के बाद सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रिंटर्स की एसेसरीज कि हमारे प्रिंटर देखिए जो बॉक्स पे बने हुए हैं, इंक वायरलेस के लिए इस पर केबल होती है, और इसका मेन होता है कि हमें इसकी सारी एसेसरीज मिल रही या नहीं। ये आप जब बॉक्स खोलेंगे अपना तो सबसे पहले इस पर ये इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि कई जगह पे होता है कि हम बॉक्स खोलते हैं और हमें एसेसरीज नहीं मिलती फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें एसेसरीज बिल्कुल देखना है बॉक्स खोलते हुए। और इस पे आपको सीडी भी मिलती है, यूजर मैनुअल भी मिलता है, और इंक बॉटल्स भी मिलती हैं, और केबल भी होती है, पावर केबल एंड डाटा केबल दोनों चीज़ होती हैं। तो दोस्तों इस पे हम सबसे पहले इंक आपको दिखाते हैं ओपन करके अपना प्रिंटर। तो ये और इसमें देखिए हम आपको एक जानते हैं, इस प्रिंटर पे आपको 4500 ब्लैक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और कलर बोतल के जो तीन कलर बोतल हैं इनकी आप 7500 कॉपी निकाल सकते हैं। ये फ़ोटो बनाने के लिए बेस्ट प्रिंटर है, इको टैंक है जिसमें आप इजली सभी कनेक्टिविटी दे सकते हैं, ये वायरलेस भी प्रिंटर है, इस पर वायरलेस भी, मैं सब फीचर्स आपको पहले से बता देता हूँ लेकिन फिर भी मैं एक बार लास्ट में इसका रिपीट ज़रूर करूँगा। इस पर वायरलेस है, मोबाइल प्रिंटिंग है, देखिए डिस्प्ले भी है, और इस पर काफ़ी बटन्स भी दी हुई हैं जिसमें आपको सभी की लिखी हुई हैं कि प्रिंटेड हैं कि हमें क्या करें। चलिए मैं अब बॉक्स ओपन करके देखिए, ये मेरा। तो दोस्तों बॉक्स ओपन होने के बाद हम ऐसे प्रिंटर की जो इंक बॉटल हैं उसको इंस्टॉल करेंगे प्रिंटर पे। ऐसे ही हमें देखिए इस पर स्पेस बना होता है कि हमें कैसे बॉटल रखनी है, जैसे उसका हम इंक टैंक का पैनल खोलेंगे और इसकी बोतल को जैसे हम ढक्कन खोल के उस पर फिक्स करते हैं तो वैसे ही ऑटोमेटिक इंक बॉटल से इंक टैंक पे जाने लगती है। अब हम प्रिंटर की ओर आते हैं, फिलहाल ये थोड़ा इंस्टॉल हो रहा है तो इसको होने देते हैं। तो दोस्तों इंक सारी रिफिल करने के बाद हमारा प्रिंटर ऐसे कंप्लीट हो जाता है, और हम इसके स्कैनर पे देखिए जब हमारी सभी बोतल इंस्टॉल हो जाती हैं तो हम अपने कमरे पे इसको जहाँ पे भी रखना है वहाँ पर रख के हम इसको स्कैन करते हैं, जो भी प्रिंट आउट निकालना है या स्कैन करना है या फोटोकॉपी निकालना है हम वैसे ही उसको। दोस्तों इसके इंस्टॉलेशन के बाद हम हमारी स्क्रीन पे वो सभी कनेक्टिविटी दिखाती है, हमें वाईफाई चालू करना है तो वाईफाई भी हम उसके इनेबल कर सकते हैं, और यदि हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है, हाँ दोस्तों मैं सबसे आप खास बता देता हूँ, यदि आप लोगों को ड्राइवर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राइवर कंप्यूटर ड्राइवर इंस्टॉल करना सिखा दूँगा ऑनलाइन कि आपको बिना सीडी के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। खैर इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वाईफाई इंस्टॉलेशन पे आपको एक पेज निकलता है, उस पेज पे वाईफाई का पासवर्ड भी लिखा होता है,
यदि उस पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा। अब देखिए, मेरा प्रिंटर फाइनली इंस्टॉल होने के बाद जब आप देखेंगे तो इसकी मैं वारंटी और अदर डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसमें 3 साल की वारंटी होती है, 3 साल की कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी देती है, साथ में एक बोतल एक्स्ट्रा इंक देती है। देखिए, 90% तक आप इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, 90% तक। आप भी जानते हैं 90% कितना होता है, इससे ये मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी इसमें। तो खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अनबॉक्सिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस वीडियो में अगली वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक में, मुझे जो कमेंट करके बताएं। जय हिंद।